My dear students, welcome to the today lecture of pricing policies and strategies. तो अपनी यूनिट कौन सी चल रही है? यूनिट फोर्थ. यूनिट फोर्थ में हम डिस्कशन किसके ऊपर कर रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स के कौन से पी के ऊपर कर रहे हैं? प्राइस के ऊपर. तो प्राइजिंग में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ प्राइज, मीनिंग ऑफ प्राइजिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइज डिटर्मिनेशन. और जो लास्ट ई लेक्चर लगा था उसमें हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, प्राइजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज. तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? न्यू प्रोडक्ट प्राइजिंग स्ट्रेटजीज. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्किम द क्रीम प्राइजिंग, सेकंड इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी. नेक्स्ट क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट मिक्स प्राइजिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें हमने कौन कौन सी प्राइजिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी थी? प्रोडक्ट लाइन प्राइजिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइजिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइजिंग, टू पार्ट प्राइजिंग, बाई प्रोडक्ट प्राइजिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइजिंग, प्रेस्टीज प्राइजिंग जिसका नाम था इमेज प्राइजिंग या प्रीमियम प्राइजिंग, और लास्ट क्या पढ़ा था? बेट प्राइजिंग. अब अपना सी पार्ट आ जाता है. मेन टॉपिक क्या है? प्राइजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज. तो फर्स्ट क्या है? न्यू प्रोडक्ट प्राइजिंग स्ट्रेटजीज. सेकंड क्या है? प्रोडक्ट मिक्स प्राइजिंग स्ट्रेटजीज. आज अपन थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजीज. क्या मतलब होता है? जब कंपटीशन होता है, कंपनी ने एक बार जो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर दी, क्या वो हमेशा वही प्राइस रखती है? नहीं, कई बार उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है. नंबर ऑफ कंपटीटर्स ज़्यादा हैं, कस्टमर के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट की जो लिस्ट प्राइस होती है, जिसको MRP बोलते हैं, उसमें हमें रिडक्शन करना पड़ता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजी बोलते हैं. तो प्रोडक्ट के प्राइस में डिस्काउंट देने के पीछे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सीजनल प्रोडक्ट को सेल करने का भी रीजन हो सकता है, हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक बचा हुआ है उसे क्लियर करना भी रीजन हो सकता है, होलसेलर और रिटेलर को हम रिडक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि उससे उनका मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे. कस्टमर को भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि वो हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या करे, परचेज करे. तो मीन्स क्या हुआ डिस्काउंट एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजी का? कि जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस में जो MRP होती है उसमें बढ़ाते नहीं हैं, उसमें रिडक्शन करते हैं, जिससे कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जो प्रीवियस प्राइस थी उससे कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी? डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजीज होगी. तो इसमें फर्स्ट क्या है? क्वांटिटी डिस्काउंट. नाम से ही पता है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर डिडक्शंस ऑफर्ड फ्रॉम लिस्ट प्राइस बाय सेलर इन ऑर्डर टू इनकरेज मिडिलमैन टू बाय लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. तो जो बेसिकली क्वांटिटी डिस्काउंट है उसके थ्री पार्ट्स होंगे, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव और थर्ड फ्री मर्चेंटाइज. तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है क्वांटिटी डिस्काउंट है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट और नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट, ये बेसिकली मिडिलमैन्स को दिया जाता है. मिडिलमैन्स का मतलब होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करें. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो करंट में होलसेलर रिटेलर हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने लग जाएं. तो इसके लिए हम उन्हें जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं. तो अब ये बेसिकली यहाँ पर ये हमें समझना होगा, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट और नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है. तो क्यूमुलेटिव का हिंदी में मतलब होता है इकट्ठा करना. तो इकट्ठा करने का मतलब क्या होगा? कि एक साथ हम बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर अरेंज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेशन, इकट्ठा करना. तो फर्स्ट क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट. नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो मिडिलमैन है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसको एक सिंगल ऑर्डर में ही जो हम क्वांटिटी चाहते हैं
उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर देना होगा। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने बोला हुआ है कि भाई आपको 500 यूनिट्स परचेज करनी है तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 100-100 यूनिट 5 बार परचेज कर ले तो नहीं मिलेगा। उसे डिस्काउंट कब मिलेगा? जब वो एक सिंगल ऑर्डर में 500 से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज करता है। अब वो जब दूसरा ऑर्डर देगा तो अगर उसको वापस से डिस्काउंट चाहिए तो वापस से उसे 500 यूनिट्स को परचेज करना होगा। तो इसमें हम ऑर्डर्स को आगे इकट्ठा नहीं करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सोप्स बना रही है तो उसने होलसेलर्स को बोला हुआ है कि एक सोप की है जो होलसेलर को प्राइस पड़ती है वो 32 रुपीज पड़ती है, तो उन्होंने होलसेलर को ऑफर दिया हुआ है, बोला हुआ है कि अगर आप 500 या 500 से कम यूनिट्स एक बार ऑर्डर में देते हो तो आपको है जो प्राइस लगेगी वो 32 रुपीज लगेगी, लेकिन अगर आप 500 से ज़्यादा और 1000 से कम ऑर्डर देते हो तो आपको उस प्राइस में 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो टोटल आप ऑर्डर दोगे उसमें 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 एक से ज़्यादा और 1500 से कम आप ऑर्डर देते हो तो जो 32 रुपीज़ के हिसाब से सपोज आपने 1300 का ऑर्डर दिया तो 32 × 1300 तो जो आपका अमाउंट आएगा उसमें 5% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 1500 से ज़्यादा यूनिट्स देते हो तो सपोज है आपने 2000 यूनिट्स दी हैं ऑर्डर तो 32 × 2000 रुपीज़ तो जो आपका प्राइस आएगी अमाउंट आएगा उसमें 7% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट के पीछे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बार का जो सिंगल ऑर्डर है उसमें प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 400 यूनिट्स है वो सोप्स ऑर्डर करना चाह रहा था होलसेलर, तो सोचता है कि अगर 100 यूनिट और ऑर्डर कर देता हूं तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई फॉर एग्जांपल 800 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा था तो उसने सोचा कि अगर मैं 1000 यूनिट्स ऑर्डर कर दूंगा, 1001 या 1002 यूनिट्स ऑर्डर कर दूंगा तो मुझे है 2% की जगह 5% क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई फॉर एग्जांपल 1400 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा था तो सोचता है कि अगर मैं 1550 यूनिट्स ऑर्डर कर दूंगा तो मुझे 5% की जगह 7% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कौन सा आपका क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ? नॉन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये बेसिकली जो बड़े होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो एक साथ बल्क में ऑर्डर दे देते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइजिंग स्ट्रेटजी काम में आती है। अब नेक्स्ट क्या है? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट। नाम से ही पता है क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कई बार होलसेलर्स के पास इतना रिसोर्स नहीं होता, रिटेलर के पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो एक सिंगल ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सके, तो हम उनको रिटेन रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये होलसेलर, ये रिटेलर हमसे ही प्रोडक्ट को परचेज करे, तो उस केस में हम उन्हें कौन सा डिस्काउंट दे सकते हैं? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसमें एक टाइम पीरियड कर दिया जाता है कि भाई कि एक साल के अंदर आपको हमसे 1200 यूनिट्स लेनी होंगी या 2000 यूनिट लेनी होंगी। आप चाहे तो 5 ऑर्डर में ले सकते हो, चाहे तो 6 ऑर्डर में ले सकते हो, चाहे तो 7 ऑर्डर में ले सकते हो। तो अगर आप ये कमिट करते हो कि आप 1500 से ज़्यादा यूनिट्स हमसे एक साल में लेंगे तो हम हर बार आपको है 5% का डिस्काउंट दे देंगे, तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट होगा। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जैसे कि सपोज है मयंक गर्ग ने है वो रियल इस्टेट का काम स्टार्ट किया, तो उसके पास 2 बीघा का खेत था। इसने अब 2 बीघा के खेत में है फ्लैट्स बना रहा है, ये 300 फ्लैट्स बनाएगा। तो अब ये 300 फ्लैट्स हैं वो एक दिन में तो बन नहीं जाएंगे, एक महीने में तो बन नहीं जाएंगे, तो उन फ्लैट्स को बनाने के लिए इसे सीमेंट्स के पैकेट चाहिएंगे, सीमेंट्स की बोरियाँ चाहिएंगी। तो इसने सीमेंट मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ठीक है, मैं एक साल के अंदर आपसे 5000 बोरियां लूंगा सीमेंट की। अब मैं एक साथ नहीं लूंगा वो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको एक जगह 5000 बोरियों को स्टोर कर सकूं, या फिर है मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है। तो आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया मैंगर ने कि मैं एक साल में आपसे 5000 है सीमेंट की बोरियां लूंगा, तो जो
मैन्युफैक्चरर है उसने मयंक गर्ग को बोल दिया कि ओके हम एग्री करते हैं, हम आपको 8% का डिस्काउंट दे देंगे। अब ये मयंक गर्ग है, 5,000 बोरियां चाहे 10 ऑर्डर में ले 500-500 कर, तो जब कभी भी लेगा, जैसे कि सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर में 500 बोरीज मंगाई तो जो बिल आया उस पर है 5% या जो 7% डिसाइड हुआ था वो डिस्काउंट दे दिया, पे कर दिया। फिर दूसरे ऑर्डर में 800 है सीमेंट्स के पैकेट्स मंगवा लिए तो उन पर वापस से डिस्काउंट दे दिया। तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। तो इस डिस्काउंट को देने के पीछे मेन रीजन क्या है कि जिनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं वो सप्लायर भी हमसे जुड़े रहें। अब मयंक गर्ग है, एक साल तक उस है सीमेंट मैन्युफैक्चरर से जुड़ा रहेगा, उससे कम से कम वो 5,000 यूनिट्स हैं वो सीमेंट्स के पैकेट्स क्या करेगा, परचेज करेगा। तो इसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? हम क्यूमुलेटिव क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फ्री मर्चेंडाइज। ये बेसिकली हम जैसे कंज्यूमर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को अपने पर्सनल हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करता है, तो इसमें कोई क्वांटिटी की बाउंडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि आप रिटेल आउटलेट पर जाते हो तो आपको बोलते हैं ना, वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे आप टूथपेस्ट लेने गए, बाय वन गेट वन फ्री। तो आपने एक टूथपेस्ट की क्वांटिटी परचेज की, आपको एक टूथपेस्ट फ्री मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल एक टूथपेस्ट अगर 40 रुपये का था तो आपको 40 रुपीज़ में 2 टूथपेस्ट हैं वो मिल गए, तो पर टूथपेस्ट आपकी प्राइस कितनी हुई? 20 रुपीज़। तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं कि डिस्काउंट्स, कि आपको जो 40 रुपीज़ का टूथपेस्ट पड़ रहा था वो अब केवल कितने रुपए का पड़ा आपको? 20 रुपीज़ का पड़ा। या फिर आता है जैसे कि आप है रिटेल आउटलेट पर गए, शर्ट के शोरूम पर, अपेरल के शोरूम पर गए, वहाँ पर है एलन सोली पर ऑफर चल रहा था बाय 2 गेट 1 फ्री, तो उसमें आपको 2 शर्ट की प्राइस में कितनी शर्ट्स मिली? 3 शर्ट्स मिली। तो सपोज है एक शर्ट है 1,000 रुपये की थी तो आपको 2,000 रुपये में कितनी शर्ट मिली? 3 शर्ट मिली। तो जो एक शर्ट है उसकी प्राइस 1,000 रुपीज से कम हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री मर्चेंडाइज बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट है जो डिस्काउंट एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजी, जो उसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका क्या नाम है आपका? क्वांटिटी डिस्काउंट। कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का हुआ, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव और फ्री मर्चेंडाइज। क्लियर है? अब सेकेंड आ जाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्वांटिटी डिस्काउंट में देखा होगा प्रोडक्ट की एमआरपी में कोई है कंप्रोमाइज नहीं कर रही है कंपनी, लेकिन आपको है क्वांटिटी एडिशनल दे रही है जिससे कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि शर्ट है उसकी एमआरपी तो है 1,000 रुपीज है, तो अगर आप 2 शर्ट परचेज कर रहे हो तो आपको 2,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्ट आपको एडिशनल मिल गई तो उस हिसाब से आपकी पर शर्ट है वो प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। ट्रेड डिस्काउंट होता है जहां पर हमें सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर प्राइस रिडक्शन मिलता है। जैसे कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो पहले नवरत्न तेल आएगा, उसकी 30 रुपये प्राइस लिखी आएगी, फिर लिखा आएगा अब नवरत्न तेल पर भारी छूट, और 30 रुपये बगल में सरक जाएगा और 5 रुपीज़ की छूट लिखी आएगी अब नवरत्न तेल केवल 25 रुपये में। तो उसे हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है पुरानी, उस पर क्रॉस लगा रहता है और नई प्राइस लिखी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है अंकल चिप्स हैं या लेज हैं, उनका जो चिप्स का पैकेट था वो 10 रुपये का था तो वहाँ पे 10 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस लिखा रहेगा और बगल में 8 रुपीज़ लिखी होगी, तो हमें एक इंडिविजुअल चिप्स के पैकेट पर कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसे हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, है कंपनी इस मेथड को यूज करती है, एफएमसीजी में भी इस मेथड को यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप 10 चिप्स के पैकेट खरीदोगे तब आपको पर पैकेट 2 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल पैकेट भी परचेज कर रहे हो तो वो 10 की जगह आपको 8 रुपये का मिलता है। तो कंपनी ये जो रिडक्शन है ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी लिख कर दे देती है। तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, कैश डिस्काउंट। कई बार मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्रेडिट में सामान दे देता है,
होलसेलर है वो रिटेलर को क्रेडिट में सामान दे देता है, मतलब उधार में दे देता है। रिटेलर है वो कंज्यूमर को है एक डायरी बना लेता है, डायरी में उधार में सामान दे देता है। तो हमने सेल तो बहुत सारी कर ली, लेकिन क्योंकि हमने उधार में दिया हुआ है तो अभी तक हमें है वो पैसा या वो अमाउंट है वो रियलाइज नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में हम उसको रियलाइज कराने के लिए कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2/10 नेट 30, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि सपोज देव सुमन शर्मा है, उसने 1 लाख का सामान है वो मयंक शर्मा को दिया हुआ है। भाई देव सुमन शर्मा का है बिजनेस, है बिजनेस में उसने फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का बिजनेस है और मयंक शर्मा है वो होलसेलर है। तो देव सुमन शर्मा ने मयंक शर्मा को 1 लाख का सामान दिया हुआ है, तो अब उसने मयंक शर्मा को ऑफर दे दिया 2/10 नेट 30। मीन्स अगर जो ये 1 लाख रुपए आपके पास आउटस्टैंडिंग है, मैंने क्रेडिट में दिया हुआ है, ये आप खरीदने के जो आपने उस प्रोडक्ट को हमसे लिया उसके 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर दोगे पैसा, तो आपको 2% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और नेट 30 का मतलब क्या, 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको हमको वो पैसा देना है। इसका मतलब आप उधारी 1 महीने से ज़्यादा की नहीं रखते हो। तो अब बैंक भी सोचेगा भैया 1 लाख का सामान लिया है, अब पैसे तो देने ही देने हैं, बढ़िया है मैं 10 दिन के अंदर अंदर दे देता हूं तो 1 लाख के 2% का मतलब मुझे 2,000 रुपये का क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। 1 लाख की जगह मुझे 98,000 रुपये है वो देव सुमन को देने पड़ेंगे। तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सीजनल डिस्काउंट। नाम से ही पता होता है काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं, सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। सीजनल प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड एक सीजन में होती है दूसरे सीजन में नहीं होती। तो उनका एक तो ऑन सीजन चलता है और एक ऑफ सीजन चलता है। तो ऑन सीजन में तो उस प्रोडक्ट की डिमांड हो ही रही है, तो बट ऑब्वियस आपको कहीं कोई डिस्काउंट देने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ऑफ सीजन में जब उस प्रोडक्ट पर सेल नहीं हो रही, उस प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, तो ऑफ सीजन में भी आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस पर क्या दे देते हो, डिस्काउंट दे देते हो। तो उसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, हम सीजनल डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हीटर बनाते हो, तो अभी सर्दियों में जनवरी में दिसंबर के लास्ट में है, अच्छी खासी ठंड पड़ी थी, तो एकदम से हीटर्स की डिमांड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो उस केस में तो आप दुकान पर जा रहे हो और कह रहे हो कि भैया हीटर कितने का दिया, उसने कहा कि ये 2,000 रुपये का ब्लोअर दिया है या हीटर दिया, तो आपको भैया क्या डिस्काउंट, तो दुकानदार क्या कहेगा आपसे, भैया लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर आप समर में जाओगे, गर्मियों में जाओगे, तो उसके पास हीटर रखे हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं, उसे पता है कि अगले सीजन में नया स्टॉक आएगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर पुराना स्टॉक लेना नहीं चाहता है, तो आप उसको उस पर 10% या 20% है जो MRP उस पर क्या दे दोगे, डिस्काउंट दे दोगे। तो ये कौन सा आपका है, प्राइजिंग पॉलिसी स्ट्रेटजीज होगी, ये सीजनल डिस्काउंट स्ट्रेटजी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विंटर क्लोथ्स हैं, कई बार होता है कि भाई हमने है ये विंटर का क्लोथ देखा, कई लोग तो यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सीजन जाए मैं उसको परचेज करूं और अगले सीजन में पहनूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख कर आए कि एक पर्टिकुलर शॉप पर ये ब्लेजर टंगा हुआ है, आपने उसकी प्राइस पूछी, भैया 4,000 रुपये का, तो आपने कहा 4,000 रुपये का तो नहीं खरीद पाएंगे, आपने सोचा कि कोई नहीं जनवरी के बाद है। तो डेली आप वहां से सामने से गुजरते और देखते हो, अरे भाई ब्लेजर तो टंगा हुआ, इसका मतलब अभी तक नहीं बिका है, अब तक नहीं बिका है। तो फिर एकदम से आपने एकदम से एडवर्टाइजमेंट देखा कि 20% या 30% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब पता है शॉपकीपर को कि ब्लेजर है पूरे सीजन में नहीं बिका है, अब मार्च आ गया है तो अब गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, तो अब है वो स्टॉक में रखा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए है, आपने अब उस पर 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप शॉप पर गए और आपने जाकर जो 4,000 का वो ब्लेजर था उसको 20% डिस्काउंट पर परचेज कर लिया और अपनी अलमीरा में रख लिया, और अगले साल जैसे ही विंटर सीजन आया उसको पहन लिया, और जब अपने सब दोस्तों को बताते हो भैया मैंने अभी नया ब्लेजर है वो 4,000 रुपये में क्या किया है, परचेज किया है। तो हम एज ए इंडियन ये स्ट्रेटजी, इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ आपका, सीजनल डिस्काउंट हुआ। अब क्वांटिटी डिस्काउंट में
लास्ट आपका आ जाता है प्रमोशनल अलाउंसेजेस। तो प्रमोशनल अलाउंसेज बेसिकली मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स को या ट्रेडर्स को देते हैं, जो उनकी ट्रेड प्राइस होती है उसमें सप्लायर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, आपको एडिशनल अलाउंसेज या डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेल आउटलेट है जहाँ पर है सेल्फ हैं, तो सेल्फ में कस्टमर उन प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करता है जो आपकी आई लेवल पर होते हैं। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल्फ में अबोव लेवल भी होते हैं, आई लेवल भी होते हैं और बिलो लेवल भी होते हैं। लेकिन आपने देखा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स छोटे बच्चों के लिए हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो अगर रिटेल आउटलेट में जा रहे हैं तो उनकी उन प्रोडक्ट्स पर निगाह तभी पड़ेगी जब वो नीचे वाली सेल्फ में रखे हुए हैं, क्योंकि उनके आई लेवल पर होगा। तो आपने रिटेलर को ऑफर दिए दिया कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को लोअर सेल्फ में प्रमोट करोगे, डिस्प्ले करोगे, तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। तो उसको हम कौन सा स्ट्रेटजी बोलते हैं? प्रमोशनल अलाउंसेज बोलते हैं। दूसरा इसमें एग्जांपल होता है, कई बार है आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल है मारुति ने है इग्निस का फेसलिफ्ट मॉडल है वो इंट्रोड्यूस किया, तो दैनिक भास्कर में लास्ट पेज पर मारुति सुजुकी इग्निस की एड आ रही है और नीचे लिखा रहा है अवर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें नेक्सा मनहर विला अलवर भी लिखा रहा है, जयपुर भी लिखाएगा, भरतपुर भी, तो जहाँ जहाँ राजस्थान में मारुति के नेक्सा के शोरूम्स होंगे उन सब का नाम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर लिखा आता है। तो अब अलवर का कोई कस्टमर है उसे मारुति सुजुकी इग्निस चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देकर नेक्सा अलवर में चला जाएगा। तो वो प्रमोशन करने में, आपके शोरूम के प्रमोशन करने में किसने मदद की? मैन्युफैक्चरर ने मदद की। उसके लिए उसने आपसे एडवर्टाइजमेंट के कोई भी पैसे नहीं लिए, तो उसे हम कौन सा अलाउंसेज बोलते हैं? प्रमोशनल अलाउंसेज बोलते हैं। ओके माई डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कंप्लीट किया है? अपना टॉपिक क्या चल रहा है? डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेज स्ट्रेटजी सी पॉइंट। तो उसमें फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? क्वांटिटी डिस्काउंट। सेकंड क्या पढ़ा? ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड पढ़ा कैश डिस्काउंट। फोर्थ पढ़ा सीजनल डिस्काउंट। फिफ्थ पढ़ा प्रमोशनल अलाउंसेज। अब हम नेक्स्ट ई लेक्चर में नेक्स्ट प्राइजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।